बहुत सारी बातें तो पूर्व के वक्ताओं ने कह चुके हैं, मैं मोटी मोटी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्र की सरकार से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने 40 में से 39 सांसद आपको दिए, 5 साल, उससे पहले भी 40 में से 33 सांसद आपको दिए थे, बिहार को आपकी सरकार ने क्या दिया? एक कोई बड़ी परियोजना बता दें, एक ऐसा कोई माइलस्टोन, ऐसा कोई भी काम जो कि केंद्र की तरफ से बिहार को मिला हो, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हो, बड़ा अस्पताल बना हो, पिछले 10 साल में आपने क्या दिया बिहार? तो बिहार के लोग आपको क्यों वोट करें? बिहार में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनका भाषण सुने, यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम यहाँ पे आके कहते हैं तुम्हारा मंगलसूत्र निकाल लेगा और दूसरों को दे देगा, दो भैंस होगी तो एक भैंस ले जाएगा। बताइए, प्रधानमंत्री की भाषा बिहार में है? और यही प्रधानमंत्री जब गुजरात में भाषण देते हैं तो कहते हैं देखिए 41 SEZ लेकर के आ गए, इतना इंटरनेशनल जो है हमने इन्वेस्टमेंट करा दिया, 5 लाख करोड़ का, 6 लाख करोड़ का। बिहार में क्या हो जाता है? बिहार में क्यों दही जम जाती है? क्योंकि वो बिहार के लोग, बिहार के लोगों का स्वाभिमान नहीं समझते, वो बिहार के लोगों को बेवकूफ समझते। उनको लगता है कि 5 किलो अनाज से हम बिहारियों को खरीद लेंगे। क्या बिहारी इतने सस्ते हैं कि 5 किलो अनाज में बिक जाएंगे 5 किलो में? तो ये बात आपको बताना पड़ेगा, ये वोट में तब्दील करके दिखाना पड़ेगा। बताइए, बार बार आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं और भाषण के नाम पे बस जुमला दे करके जा रहे हैं। ये जुमला वीरों को इस बार हमें वोट की चोट से इस बार बाहर करना होगा और हमारे देश में जो दूसरी आजादी की लड़ाई हो रही है, इस आजादी की लड़ाई में इन फिरका परस्तियों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। इसके लिए आप तैयार हैं? है ना तैयार? आगे जो भी अभी चुनाव हुए, जितने भी चरण चुनाव हुए, उस सारे चरणों में 6 चरण हुए हैं, 6 चरण में मैं आपको बताते हुए बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूं कि हम ऑलरेडी जीत रहे हैं। तभी प्रधानमंत्री जी वो खिलाए हुए हैं, ईडी CBI और सब कुछ रेड करा के उन्होंने देख लिया, दो दो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज के देख लिया, लेकिन जनता झुकने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि वो अब उसके हक की लड़ाई की बात है। हम उस सरकार, अब बताइए, पिछले कुछ महीनों में हमारी सरकार रही पर हमारे मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया। अच्छा काम कर रहे थे, 17 साल से मुख्यमंत्री थे, समाजवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री हमारे थे, पर क्या हुआ, भाजपा वालों ने उन्हें किडनैप कर लिया है, अगवा कर लिया है। अब क्या डर दिखाया, क्या भय दिखाया, क्यों गए, अब तो वही बेहतर जानते होंगे, वही बताएंगे। पर इस बार मुख्यमंत्री जी का फिर मन डोल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बत्ती आने का, लेकिन हमारे नेता ने साफ मना कर दिया है कि अब जो है, अब की बार आप चुनाव के मैदान में आइए और बिहार की जनता आपको दिखाएगी कि जैसे पिछले बार थोड़ी सी कमी रह गई।